अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होमली ब्लॉग्स विद अतिया। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो बहुत दिन हो गए थे मुझे चैनल पर वीडियोस डालकर, और मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मैसेज भी किया था कि दीदी आप वीडियोस क्यों नहीं डाल रहे हो, सब लोग खैरियत से है क्या, सब कुछ खैरियत से है क्या, आप लोग कैसे हैं, ऐसा करके मुझे बहुत सारी दुआएं भी देते था और बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते थे, लेकिन मैं उनकी जवाब डायरेक्टली नहीं दे पाई हूँ आपको। और मैंने कुछ भी अपडेट भी नहीं दिया था कि क्यों नहीं आ रहे हैं मेरे व्लॉग्स, तो उसका रीज़न मैं अभी फ़िलहाल नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि सोशल मीडिया पर ऐसे बातें करना अभी जायज़ नहीं है। तो वक्त आने पर तो मैं ज़रूर बताऊँगी कि क्या हुआ था, मैं क्यों इतने दिन आपके सामने नहीं आ पाई थी। तो बहुत सारे फैमिली प्रॉब्लम्स हो गए थे, पर्सनल प्रॉब्लम्स, जो अभी मैं डिस्कस नहीं कर पाऊँगी। और बीच में सुहाना की तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई थी, फ़ीवर हो गया था 4 दिन के लिए। तो फीवर के बाद फिर थोड़ा बहुत वीकनेस तो हो जाता है ना बच्चों में, तो इसी चक्कर में मैं फिर वीडियोस नहीं बना पाई थी। नए वीडियोस भी मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, तो अभी मैं आपको शेयर कर रही हूँ बस पुराने वीडियोस, जो आयान के हकीके के बाद फिर आयान का बर्थडे मैंने डाला था। तो आयान का हकीके के बाद फिर एक 1 वीक में मेरे चाचा के बेटे की शादी थी, तो उसे भी हमने अटेंड कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छी तरीके से शादी हो गई, और उस शादी के वीडियोस भी मैंने बहुत सारे बनाए थे, और बहुत एक्साइटेड भी थी मैं उस वक्त कि इन सारे वीडियोस को मैं आप तक पहुंचाने के लिए। लेकिन क्या करें, हम जैसा सोचते हैं वैसा तो होगा ही नहीं ना। तो बहुत सारे फैमिली प्रॉब्लम्स हो गए थे, और उस चक्कर में मैंने बस अपने चैनल पर ध्यान नहीं दे पाई थी, और मैंने कुछ भी वीडियो शेयर नहीं कर पाई थी, उसके लिए मैं बहुत बहुत सॉरी कहती हूँ। तो पुराने ही सही, लेकिन आप तक कनेक्ट होने के लिए बस मेरे पास अभी यही वीडियोस थे, तो इन्हीं को अभी मैं पोस्ट कर रही हूँ एडिट करके, तो गलत मत समझिएगा, और बहुत बहुत सॉरी कहती हूँ फिर से एक बार। तो हमारे यहाँ पर शादी कैसे किया जाता है वो सब कुछ आप आगे देख पाओगे मेरे वीडियोस के ज़रिए, तो ऐसे ही कनेक्ट रहिए मेरे साथ, जुड़े रहिएगा। अभी सुबह का टाइम है और हम आ गए थे अम्मी के घर पर, सुबह सुबह आ गए थे। फिर उसके बाद नाश्ता और लंच भी हम बना कर रख दिए थे, बस अभी हम बैठ गए थे मेहंदी लगाने, और रात में हल्दी है। तो चाचा का घर भी अम्मी के घर से थोड़े ही दूर पर है, तो यहीं पर से हम सब लोग अटेंड करेंगे सारे फंक्शंस। तो अभी सुहाना की मेहंदी लग रही है, मेरी बहन लगा रही है, फिर उसके बाद मैं लगाने बैठ जाऊंगी। हाँ उधर है देखो कार, व्हाइट कार दे दे। हाँ व्हाइट कार दोपहर का टाइम है, शाम भी अभी थोड़ी देर में होने वाली है, 4 बजने वाले हैं। तो यहाँ पर अभी हमारा सबका लंच हो गया था, और मेरे हस्बैंड भी यहीं पर बैठे हुए हैं, और अम्मी रेडी हो गए थे और जा रहे हैं अभी अम्मी चाचा के घर पर। तो वहाँ पर भी बहुत सारे काम होते हैं ना, तो अम्मी और अब्बू अभी निकल जाएंगे और शाम में हम सब लोग रेडी होके जाएंगे। तो फ़िलहाल अभी अम्मी जा रहे हैं। Thank you.
अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होमली ब्लॉग्स विद अतिया। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज है सैटरडे का दिन और सुबह सुबह ही मैं आई थी आज अम्मी के घर पर। और मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगस्त 1 को मेरे चाचा के बेटे की शादी है, तो उसी को अटेंड करने मैं आ गई हूँ अम्मी के घर पर, क्योंकि अम्मी के घर के थोड़ी ही दूर पर ही है चाचा का घर भी, तो इसलिए डायरेक्टली हम अम्मी के घर पर आ गए। और सुबह ही मैं आई थी और आते ही साथ में मेहंदी भी मैंने लगा लिया, तो मेरी बहन लगाई, तो थोड़ी देर पहले ही मैंने निकाला इसे और हल्का सा रंग अभी आने लगा है, कल और अच्छा आ जाएगा। तो आते ही मैं और सुहाना दोनों लगा लिए। और अयान का हकीका इसी दिन हुआ था, लास्ट वीक सैटरडे को, और अभी हमारे चाचा के बेटे का शादी है, तो बीच में 1 वीक गैप था, तो अयान के हकीके टाइम पे मैंने लगाया मेहंदी, फिर अब उसी पर फिर से मैंने एक और कोटिंग लगा दिया। तो अभी हम रेडी होने जा रहे हैं, क्योंकि अभी आज है हल्दी का दिन, तो आज है हल्दी शाम में, तो अभी हमें सब लोग रेडी हो रहे हैं। हम सब लोग, मेरी बहन अभी फ्रेशअप हो रही है और अयान को और सुहाना को मैंने फ्रेश करा दिया, बस दोनों को रेडी करना बाकी है, बाद में मैं भी फ्रेशअप हो जाऊँगी, मैं भी रेडी हो जाऊँगी। तो अम्मी तो चले गए दोपहर में, लंच के बाद चले गए अम्मी, चाचा के घर पर ही है। अभी हम सब लोग बच्चे, हम सब लोग रेडी होकर जाएंगे, मैं, बच्चे और मेरी बहन, भाई, मेरे हस्बैंड और मेरे भाई, सब लोग हम अभी जाएंगे थोड़ी देर में रेडी होकर। तो मेरे और एक फोर्थ चाचा के बच्चे भी है, यहीं पर आए हुए हैं, और अभी हम सब लोग मिलकर जाएंगे रेडी होने, अभी हम रेडी होने वाले हैं। तो यही आपसे कहना था और बस चलिए आपसे थोड़ी देर में मैं मिलती हूँ, अभी रेडी भी होना है ना, तो टाइम अभी नहीं है, जल्दी जल्दी से अभी फटाफट से रेडी होना है हमें, तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो अभी हम सब लोग फ्रेशअप होकर आ गए थे, फिर उसके बाद हम जल्दी जल्दी से तैयार होने में लग गए थे, अभी टाइम शाम के 7 बज गए थे, थोड़ी देर में हमें निकलना है। तो यहाँ पर मैंने सुहाना को और अयान को तैयार भी कर दिया था, अयान खेल रहे हैं और मेरे बाल अभी तक सूखे नहीं थे, तो मैं उस बाल को सुखा रही हूँ। और यहाँ पर मेरी बहन भी अपना चोटी करवा रही है मेरे कज़िन से, तो ये दोनों कज़िन्स मेरे चाचा की दोनों बेटियाँ हैं, तो ये दोनों भी हमारे घर पर रुक गए थे, तो यहीं पर से हम सब लोग साथ में रेडी होकर निकल जाएंगे, तो हमें लेने अबू आएंगे, तो हम सब लोग अभी थोड़ी देर में निकल जाएंगे। और आप देखकर मत हंसिएगा कि जिस तरह हम तैयार हो रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर ना मेकअप ऐसा कुछ भी हम नहीं लगाते हैं फेस पर, बस नॉर्मल फेस पाउडर होता है ना, इसी को हम इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे ही हम सिंपल से रेडी होकर निकल जाते हैं कहीं पर भी, तो इसलिए आप कुछ भी ऐसा कॉमेंट्स मत करिएगा। तो अभी थोड़ी देर में हम निकलेंगे। Thank you.
बस ये था आज का मेरा व्लॉग, और आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और कल मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे नए व्लॉग में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल का आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।